वेलकम बैक जागो दुनिया बात हो रही है बीजी से और आपके बहुत कमाल के एस भी आ रहे हैं बीजी के लिए आप बता रही थी कि यू नाउ इन विजन अ वेरी सादा एंड सिंपल सिंपल लाइफ एंड साथ इसमें आप इंजॉय भी कर हाँ, सकती हैं अपने डिटेल्स को कोई खला कोई ऐसी ख्वाहिश जो रह गई हो मेरी बेटी की शादी हो बस एंड दैट्स इट इर्दगि जब देखती हैं अपने आप बहुत काम करती हैं और बहुत खदमत भी करती हैं इस वक्त पाकिस्तान में आपको सबसे प्रेसिंग इशू सबसे बड़ा इशू क्या लगता है क्या नज़र आता है रोटी महंगाई और तो कुछ ही है और ऐसा क्यों है ये नौबत क्यों आई है आपके ख्याल में हम लोग सही फैसले नहीं कर पाते हमने किसी और को वोट डालना है किसी और को वोट डालना है हमें आवाम में ही फैसले की कुवत नहीं है और जब तक आवाम में फैसले की कुवत नहीं होगी हम रोटी के लिए इसी तरह महंगाई के लिए रोटी के लिए मैंने लोगों को टेलीविजन पर डंडे खाते हुए कल देखा, देखा तो क्या तरक्की की हमने हम तो वहीं खड़े हैं जहा थे और आवाम में फैसले करने की अ, का शूर तो तालीम से आया अब आपके ख्याल में हल क्या है आपके ख्याल में क्या अगर आप सदर होती तो आप क्या हैं? क्या कदम लेते हैं इन चीज़ों के हल के लिए? मैंने कहा ना मसला ही रोटी है आ, मुझे याद है नादिया और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब ये दो रुपए की रोटी पंजाब गवर्नमेंट ने की है मेरे पास बहुत सारे लेबर लड़के काम करते हैं तो लाइक सिक्सटी के करीब लड़के हैं तो एक दिन मैं गई तो सब लड़के हमेशा पहले तीन तीन रोटियाँ मंगाया करते थे फिर मैंने देखा कि वो दो दो रोटियाँ मंगा रहे थे रोटी फिर महंगी हो गई थी ठीक है जब रोटी दो रुपए की हुई या एक रुपए की मैंने लोगों को चार चार रोटियां मंगवाते और खाते हुए देखा है तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि इस रोटी के लिए इंसान सुबह से निकलता है रात तक रहता है और वो रोटी और जब मैंने उस लड़के से कहा कि तुम तो बड़ा ऊंचा लंबा एक लड़का है वो पाँच रोटियां खाता था तो मैंने कहा आज तो दो रोटियां मंगा रहे हो तबीयत तो नहीं अच्छी कहता नहीं भाजी रोटी पाँच रुपए की है मेरी आंखों से आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे कि उसने कहा कि भाजी अगर हम तीन टाइम रोटी खाते हैं तो हम सौ डेढ़ सौ की तो रोटी खा लेते हैं तो रोटी ही हमारा मसला है हम तो रोटी से आगे ही नहीं गए My God. फिर अब जब मैं गई हूँ सवाल के लिए मैंने काम किया मैंने देखा कि इतना डिप्राइड है वो एरिया इतना डिप्राइब एरिया है वो मैंने एक बच्चा था छोटा सा उस मुझे कहने लगा टीवी ला दें रोटी भी नहीं थी वहाँ पे वो टीवी मांग रहा था और मैंने उसको प्यार से पूछा मैंने कहा कोई बात हुई तो कहने लगा तालिब बहुत अच्छा है मैंने कहा तालिब कौन वो तालिबान को कह रहा था तालीब बहुत अच्छा है मेरे घर के साथ रहता था मैंने कहा फिर वो मेरे लिए ट्रॉफियाँ लाता था मुझे दस डॉलर देता था तो रोटी ही मसला है ना तालीम नहीं है वहाँ नंगे पाओ बच्चे फिर रहे हैं पट्टे हुए कपड़े हैं आप पंजाब का बजट देखें आप सिंध का बजट देखें आप फ्रंटियर का बजट देखें आपकी आंखों में आंसू आ जाता है सड़कें देखें नालियाँ नहीं है लोग औरतें दस दस किलोमीटर दूर से पानी भर के ला रही हैं पहाड़ियों से नीचे पानी नहीं है नलका नहीं है तो हमें अपनी गलतियों पर भी गौर करना चाहिए हमें अपने में भी देखना चाहिए कि हम हम कहाँ गलत है एक चीज़ क्योंकि मेरी क्लोजिंग है आखिरी आखिरी में आपसे मैं पूछ रही हूँ जिससे आपका सर फ़खर से बुलंद हो जाता है जब आप पाकिस्तान का झंडा देखती हैं एक चीज़ अगर आप बता सकें इस मुल्क के बारे में इसके लोगों के बारे में ना नहीं इस मुल्क के लोगों ने इस झंडे को बहुत बुलंद किया है जब से ये मुल्क बना है लीडर्स आए फिर रहते ही रहे लेकिन उसमें आम लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी मुशक्क़त से अपने स्ट्रगल से इसके नाम को ऊँचा किया है उन तमाम लोगों को मैं सलाम करती और वो चीज़ है उनकी मेहनत और और मैं आपको सलाम करती हूँ आप उन्हीं लोगों में से एक हैं और आपकी कहानी ऐसी कहानी है जो कि मेरे ख्याल में इस पे तो एक फिल्म बननी चाहिए पूरी दुनिया को देखनी चाहिए कि अच्छा। एक गांव की लड़की कहाँ से कहाँ पहुंच गई और आपकी गलतियाँ और आपकी साथ की आपकी खूबसूरती लेकिन सबसे बड़ा आपका दिल थैंक यू यू बीजी थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस नाजरीन बीजी हमारे साथ और इनको देख के कहने का दिल करता है कि नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद